लगभग 800 साल पहले सेंट्रल एशिया से एक इन्वेडर भारत की ओर आता है और अपने रास्ते में आने वाले हर किले, मंदिर और घर को लूटकर उसे नष्ट कर देता है। उसी दौरान जब वह आज के बिहार के पास पहुंचता है तो उसे नालंदा यूनिवर्सिटी दिखती है और वह उसे भी जलाकर भस्म कर देता है। और वो था खिलजी डायनेस्टी का सबसे क्रूर शासक बख्तियार खिलजी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी ना ही किसी राजा का महल था और ना ही कोई मंदिर जहाँ से कोई सोना या धन लूट के जा सके। वह तो केवल कुछ किताबों से भरी इमारतें थी जहाँ पे निहत्ते बुद्धिस्ट और ब्राह्मण स्टूडेंट्स विद्या ग्रहण करते थे। तो खिलजी ने इसे क्यों जलाया? क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी? इस सब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में।